हाउ टू ऐड टेक्स्ट इन फिल्मोरा 9। फिल्मोरा 9 में टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, ये बहुत ही आसान है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, तभी आप ये समझ पाएंगे किस तरह से जो है आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फिल्मोरा की मदद से आप जो है टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज सीख लेते हैं कि आप वीडियो में जो है टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं फिल्मोरा 9 की मदद से। ठीक है, तो मैं ये फिल्मोरा 9 वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें जो कोई भी वीडियो के ऊपर आप टेक्स्ट कैसे लगाएंगे ये हम देख लेते हैं। तो कोई भी मैं एक वीडियो फाइल में यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने मान लो ये एक वीडियो फाइल मैंने ले लिया। अब ये वीडियो फाइल आ गया है। अब मैं इसको जो है ड्रैग करके नीचे अपने टाइम लाइन में ले आऊँगा। ठीक है, और टाइम लाइन में लाने के बाद, ठीक है, जैसे ये वीडियो है, अब वीडियो के ऊपर मुझे जो है टेक्स्ट ऐड करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिल्मोरा में देखो ऊपर में सबसे पहले टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक करो। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको जो है टाइटल आ गए, बहुत सारे लोअर थर्ड आ गए, यानी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है ना, जिस तरह का चाहते हो आप। तो मान लो जैसे मैं ये वाला टाइटल चाहता हूँ, ये बहुत सारे हैं। नीचे में देखो कि बहुत सारे हैं, यहाँ पे देखो 40 है, 16 है, 25 है, यानी बहुत सारे आपको जो इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट ऐड करने के लिए। तो मैं जैसे आपको एक एग्जांपल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे ये वाला जो है टाइटल, इसको मैं जो है सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं ले आऊँगा, यानी वीडियो के लेयर के ऊपर मैं रख दूँगा। ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ से मैं ये जो ले आया, तो अब देखो ये ऐसे लिख कर आएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एक बार, यानी ये जो टाइटल जो लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करके इसको जो है मैं डबल क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एडिट करके मैं कुछ भी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं हटा दिया तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ भी लिख दिया, अपने चैनल का नाम हो गया या कुछ भी हो गया। ठीक है, अब ये लिखने के बाद आप इसको जो है सिलेक्ट करके आप इसको कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, या तो यहाँ रख सकते हो, या तो नीचे में रख सकते हो, या तो साइड में रख सकते हो, या तो यहाँ रख सकते हो। ठीक है ना, या किसी भी हिसाब से आप जो है रख सकते हो। अब ये नीचे वाला टाइटल है, अब यहाँ पर आपको मान लीजिए कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, अगर कुछ नहीं लिखना है तो डायरेक्ट इसको आपको डिलीट कर दो। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, अब बस मुझे ये चाहिए, अब बस मैंने ये रख दिया। ठीक है, अब देखो अब ये मेरा ये आ गया है। अब मैं इसको मैं प्ले करूँगा, तो प्ले करने के बाद ये देखो ये किस तरह से ये इफेक्ट आएगा, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक बार प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। और सब ऐड करने के बाद जब सब आपका हो जाएगा, हर चीज़ आपका हो जाएगा, तो ऊपर में देखो एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है, एक्सपोर्ट में क्लिक करोगे और क्लिक करके जिस भी फोल्डर में सेव करना है सेव करके यहाँ पे एक्सपोर्ट में क्लिक करोगे, आपके फोल्डर में जाकर सेव हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो बनाते रहते हैं।